आरोपी विकास दुबे आखिरकार पकड़ा गया। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर से दुबे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आने के बाद भी विकास दुबे की हेकड़ी कम नहीं हुई। पुलिस ने उसे जब पकड़ा तो वो अपनी हेकड़ी दिखाते हुए चिल्लाया और कहा, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। पुलिस के शिकंजे में खाकी को रौंदने वाला महाकाल के तौर से पकड़ा गया मोस्ट वांटेड। कैमरे पर दहाड़ मारकर चिल्लाया गैंगस्टर, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। कहते हैं रस्सी जल गई, लेकिन पल नहीं गया। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, कानून को ठेंगे पर रखने वाला, खाकी को रौंदने वाला, यही है वो विकास दुबे। कानपुर शूटआउट में 8-8 पुलिस वालों का अच्छी तरह आंखों में कैद कर लीजिए यूपी के सबसे बड़े माफिया को, जो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी ना उसकी हेकड़ी कम हुई और ना ही ठसक। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। सुना आपने, एक बार फिर से सुन लीजिए, कैसे पुलिस के शिकंजे में आने के बाद भी गुरूर में चूर मोस्ट वांटेड दुबे की दबंगई कैमरे पर साफ साफ दिख रही है। विकास दुबे हूं कानपुर वाला। कानून को अपनी बपौती समझने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को जब पुलिस उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से पकड़कर महाकाल थाने ले जा रही थी, तब विकास दुबे लगातार मीडिया से बात कर रहा था। उसका रसूख उसके सिर पर इस कदर हावी था कि उसके तेवर बिल्कुल भी नहीं बदले। वो दहाड़ मारकर चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। देखिए, जब मीडिया के सामने विकास दुबे से अपना नाम लेकर चिल्लाने लगा, बताने लगा कि वो ही कानपुर वाला विकास दुबे है, तो उसके इतना बोलते ही पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विकास दुबे को दबोच कर पुलिस पकड़कर गाड़ी तक ले आई। इस दौरान एक पुलिस वाले ने उसकी गर्दन को तो दूसरे पुलिस वाले ने उसे कमर से जकड़ रखा था, जबकि एक पुलिसकर्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा था ताकि वो भाग ना पाए। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। स्थानीय पुलिस जिस वक्त महाकाल मंदिर परिसर से विकास दुबे को लेकर निकली, उस समय विकास दुबे की बॉडी लैंग्वेज हैरान करने वाली थी। सफेद रंग की चेक शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए विकास दुबे को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसकी चाल और ठसक साफ साफ कैमरे पर नजर आ रही थी। पकड़े जाने के बाद भी विकास दुबे के चेहरे पर कोई डर या शिकन नजर नहीं आई। वो उसी हेकड़ी से तनकर गाड़ी तक पहुंचा, जैसे हर वक्त रहता है। विकास को देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि उसे गिरफ्तार होने का या फिर कानून का कोई खौफ है। बताया जा रहा है कि वो काल के डर से महाकाल के दरबार में पहुंचा था। इसके लिए वो बाकायदा रसीद कटवाकर मंदिर में दाखिल हुआ और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, कुख्यात विकास दुबे को दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।